हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, माय सेल्फ हिमांशु मिश्रा. बेटे, हम लोग फिजिक्स की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं. फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे. बच्चों, आपका अब एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम. जैसा कि आप जानते हैं, आपको शायद टाइम टेबल भी मिल गया हो और सिलेबस भी मिल गया हो. तो जो सिलेबस आपको दिया गया, उसी सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उसी के आपके क्या होंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है. तो आप क्या करें, चैप्टर वन चैप्टर टू रिवीजन कर लें. आज इस वीडियो में बेटे, पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से नंबर वगैरह आपको मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम को ऑनलाइन देना है. तो आपको एक डेमो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें आप उसको प्रॉपरली देख कर अपना एक क्या करेंगे, डेमो वीडियो समझ के ऑनलाइन एग्जाम देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न की बात करते हैं. फिर हम लोग आपको, फिर मैं आपको ऑनलाइन क्लास के बारे, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताऊंगा. ठीक है, डेमो वीडियो के माध्यम से. तो इस वीडियो को पूरा देखें, यूजफुल है. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कोई बात नहीं देखेंगे हो जाएगा. इस वीडियो को पूरा देखें बेटे, क्योंकि इसमें एग्जाम देने का तरीका बताया जा रहा है. तो आप एग्जाम अगर नहीं देख पाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस होगा, उस समय आपका टाइम लॉस होगा. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हमारा एग्जाम होगा. तो बेटे, आपके क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में. फिजिक्स का ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट सब अपने बताएंगे. मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, और टाइम लिमिट आपको मिलेगी 1.3 आवर. ठीक है, 1.3 आवर, ऐसा बोले तो 1.30 आवर. ठीक है, डेढ़ घंटे का. टोटल मार्क्स कितने होंगे बेटे, 50, यानी 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा. ये तो हुई टाइम, टोटल क्वेश्चन, मार्क की. अब आएगा क्वेश्चन किस तरीके का. तो बेटे, केवल और केवल आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, लेकिन इनमें कैटेगरी होगी. इनमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए, एमसीक्यू में बेटे आपको 30 MCQ है ना. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके क्या होते हैं, किसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन, यू हैव टू चूज करेक्ट वन. आपको एक उसमें से सही चुनना है, जो आपको सही लगे आप अपना सॉल्व करिए, समझिए, जैसे भी आप करें, एक करेक्ट वन आपको चूज करना है. ठीक है, 30, ठीक है, 40 MCQs में 30 MCQ आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. ठीक है, 1 मार्क का. और वहीं पे अब आपके पास 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी 10 MCQ के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपके होंगे कितने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन. ठीक है, तो 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, 1 मार्क, 30 MCQs 1 मार्क के होंगे, और 10 MCQs आपके 2 मार्क्स के होंगे. आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं. ठीक है, तो अगर आप देखें मार्क्स के बारे में, तो अगर 30 के आपके क्या है, एक एक नंबर के हैं, तो इसका कितना मार्क हो जाएगा, 30, और आपके 10 MCQs 2 मार्क्स के हैं, तो ये हो जाएगा 20. दैट मीन्स आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 30 + 20, 50 मार्क्स. तो इस तरीके से आपका पेपर का क्या है, स्ट्रक्चर है, पेपर इस तरीके से आएंगे. अब आपको मैं बताता हूं कि एग्जाम का ऑनलाइन मेथड क्या होगा, उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए टिप्स बताऊंगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमो वीडियो को, जिसमें मैंने आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपको जिस तरीके से पहले लिंक आएगी, लिंक से कैसे प्रोसीड करना है. तो देखिए, आपको लिंक आएगी एग्जाम के टाइम, आपको लिंक आ जाएगी बेटे. आपका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपको दे दिया गया होगा, उस टाइम पर आप अपने टेबल पर बैठ जाइए, 10 मिनट पहले बैठ जाइए. 7:30 बजे एग्जाम है, तो 7:25 तक बेटे आप एकदम मेंटली रिलैक्स हो जाइए. आपको दुनियादारी नहीं आना चाहिए. जैसे आप एग्जाम में बैठते, एग्जाम हॉल में कॉपी पेन वगैरह ले लीजिए, और उसके बाद है ना तैयार हो जाइए. जैसे लिंक आती है, तो लिंक जब आएगी, आपका लिंक तभी ओपन होगा, अगर पहले भी आ जाती है तो लिंक तभी ओपन होगा जब आपको टाइम टेबल दिया गया है कि 7:30 बजे अगर आपको एग्जाम का टाइम टेबल दिया गया है, तो 7:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा. एग्जाम स्टार्ट, आप लिंक ओपन करेंगे, टाइम का ध्यान देना है, जो टाइम लिमिट दी गई है बेटे, उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन कम्प्लीट करना है. और मैं तो कहता हूं कि 5 मिनट पहले करिए, सहूलियत के लिए. कारण
ठीक है। अब क्या होता है कि जब एक लास्ट मोमेंट पे सब बच्चे अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जब अपलोड करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक साथ बहुत है ना भीड़ हो जाती है। कुछ इस तरीके से समझिए कि छोटे से गेट से बहुत लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस है देरी तो होगी, तो सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होता है, ऐसे में आपका अपलोडिंग नहीं हो पाता, सबमिशन नहीं हो पाता, और चूंकि ये इंटरनेट है यहाँ पर टाइम लिमिट जो दी गई है उसमें अगर आपने अपलोड किया तो ठीक है, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड, आप क्या माने जाएंगे, एब्सेंट माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो आप उस टाइम का ध्यान देते हुए अगर आपको एक टाइम जो दिया गया है तो आप है ना 5 मिनट पहले से ही अपलोड करना स्टार्ट करें। उससे पहले आप अपने क्वेश्चन को कर लें, उसे ओवरव्यू कर लें कि आपने सही ऑप्शंस लगाए हैं कि नहीं। इन सबको देखते हुए आप 5 मिनट पहले सबमिशन स्टार्ट करें और स्टार्ट हो जाएगा बेटे। अगर आपकी सबमिशन क्या हो जाती है, 1 सेकेंड भी लेट होती है, एक मतलब टाइम लिमिट के ऊपर जाएगी तो आपका सबमिशन नहीं होगा बेटे, और इस वजह से आप एग्जाम में एबसेंट माने जाएंगे। तो ये आप ध्यान देंगे कि आप ये ना करें, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं लिंक की तरफ। जैसे देखिए बेटे, आपको लिंक आएगा, आपके पास एक परमानेंट ईमेल होना चाहिए जिसके थ्रू आप पूरा एग्जाम देंगे, न केवल ये एग्जाम, मतलब ये फर्स्ट टर्म, आने वाले सभी एग्जाम्स भी अगर ऑनलाइन होते हैं तो आपको इसी ईमेल के थ्रू देना है। तो एक परमानेंट ईमेल बना लीजिए आज ही, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बना लीजिए, और उसको अपना ईमेल पासवर्ड कहीं अपने कॉपी में नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए ताकि आप भविष्य में आपको काम आए। अगर एक आईडी से आप एग्जाम देंगे तो आपको हमारे लिए भी समस्या नहीं होती, हम जान जाते हैं कि ये ईमेल आईडी किस बच्चे का है, तो ये अब प्रेजेंट है, आपने इस ईमेल से इस एग्जाम को दिया, सेकेंड टर्म हाफ ईयरली कुछ और से दिया, तो हमें वहाँ कंफ्यूजन होगी, तो मे बी आपको एबसेंट भी होने का चांस मिले, फिर आपको आके बताना पड़ेगा कि नहीं मेरा है। तो इन सब झंझट से बचे, एक ईमेल रखें ताकि एक बार में हमें देख के पहचान में आ जाए कि ये फलाना स्टूडेंट है, ये इस ईमेल से एग्जाम दे रहा है, तो ईमेल बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप डेमो वीडियो देखते हैं और डेमो वीडियो में हम समझते हैं किस तरीके से हमें एग्जाम में प्रोसीड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से हमें टेस्ट देना उसके लिए हम लोग डेमो देखते हैं। किस तरीके से आपके पास लिंक आएगा, एक उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप यहाँ ब्लू में देख पा रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और हमारे पास इस तरीके से विंडो ऑप्शन मतलब पूछेगा कि आप किस ब्राउज़र के थ्रू जाना चाह रहे हैं। मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम से आगे बढ़ूंगा। जब मैं क्रोम को सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक तरीके का विंडो खुला जहां पर मुझे देखिए एक ईमेल के फिलअप की रिक्वायरमेंट है। आप एक ईमेल बना लीजिए, परमानेंट ईमेल आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो एक बना लीजिए, ये आपको पूरे एग्जाम में एक ही ईमेल रखना है, ठीक है। तो मैं अपना एक ईमेल डालता हूँ, ये चूंकि ये डेमो टेस्ट है तो मैं अपना एक ईमेल डालता हूँ अपना। फिर नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए आपको नाम, अपना नाम डालना होगा, अपना नाम जो स्कूल में आपने दिया है करेक्ट स्पेलिंग के साथ एकदम वैसे ही डालिएगा। फिर नीचे आपका फादर्स नेम होगा, फादर्स नेम आप करेक्टली डालिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे जब आप फादर्स नेम डालने के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम डेट होगा, एग्ज़ाम डेट सॉरी, पहले आपको क्लास और सेक्शन डालना होगा, जैसे मेरा क्लास 9th है और सेक्शन ए है तो मैंने 9th और सेक्शन ही डाला। फिर उसके बाद डेट जो आपके डेट एग्ज़ाम का है वो डालेंगे और फिर नेक्स्ट कर जाएंगे। अब आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर यही, ये तो डेमो टेस्ट है इस वजह से यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट चलता रहेगा, टाइम का पूरा ध्यान देना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सही ऑप्शन चूज करें, जैसे कि 2+2 यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का 4 आने वाला है तो मैं 4 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 2+2 = 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। 2 - 2 आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो 0 मैं सेलेक्ट किया, 2 × 2 = 4 होने वाला है तो मैंने 4 सेलेक्ट किया। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए, टाइम लिमिट में जैसे 5 मिनट बचा है तो पहले ही सबमिट कर देंगे, क्योंकि एक साथ सबमिट सब करते हैं लास्ट मोमेंट में तो हो नहीं पाता, और 1 सेकेंड की देरी भी आपके लिए नुकसानदायक, आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं माना जाएगा, आपका पेपर सबमिट नहीं माना जाएगा। तो टाइम से पहले करें, सुरक्षित रहें, ठीक है। उसके बाद आप जब कर लेंगे तो सबमिट का बटन टच कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दें कि आपको टाइम का ध्यान देना है, टाइम अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। टाइम लिमिट का ध्यान देते हुए आप गिवन टाइम में सबमिट करें, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग आप सबमिट करते हैं, सबमिट करके आगे बढ़ते हैं।
तो सबमिट करने पर देखिए हमारे पास ये वीव स्कोर का भी ऑप्शन आया, हमारा पेपर सबमिट हो गया। अब हम जब देखना चाहते हैं कि हमारा स्कोर क्या है, तो हम वीव स्कोर पर टच करके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से विंडो खुलेगा जहाँ पे ये बताएगा आपने कितना क्वेश्चन किया, आपको कितने मार्क्स अवार्ड हुए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने रिकॉर्ड के लिए। हालांकि स्कूल के पास आपका रिकॉर्ड मेंटेन है, कोई भी बहुत ऐसी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। आपने एक डेमो वीडियो देखा, अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से एक हेल्प करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप ये डेमो टेस्ट मतलब टेस्ट देना सीख जाइए कि किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि उस समय समस्या ना। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई बेटे, आपने समझा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से फिलअप्स करने, किस तरीके से क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन आप अपने तरीके अपना करें, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, तो डेमो वीडियो था इसलिए इजी क्वेश्चंस रखे गए थे, बट आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 के, है ना। और उसके बाद आपको टाइम लिमिट क्वेश्चन ध्यान देने हैं और उसको क्या करना है, सबमिट समय से करना है। ये आपकी क्या हो गई एग्जाम के पैटर्न के बारे में और किस तरीके से एग्जाम देना है इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अब आपकी नई वीडियोस नहीं आएंगी एग्जाम तक, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप बेटे अपने से भी रिवीजन करें, ऐसा नहीं है कि टीचर के भरोसे बैठ जाइए, टीचर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन अपना जो अपना पढ़ना पढ़ा होता है ना बेटे, वो एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप क्या करें, अच्छे से पूरी थियरीज रिवीजन कर लें, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं वो कर लीजिए, फिर आप अपने से भी कुछ ट्राई करके न्यूमेरिकल करिए। चलिए अब आपको पहले क्या क्या बताया गया था कि चैप्टर वन चैप्टर टू के न्यूमेरिकल्स क्या कर, चैप्टर वन चैप्टर टू का थियरी कंप्लीट रिवीजन कर, इसमें कई समस्या है रिवीजन तो कराएंगे। जब जो टॉपिक आएगा नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा सर ये नहीं समझ में आए, उसको चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप क्या करिए, है ना, रिवाइज ऑल न्यूमेरिकल, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दूंगा, आप है ना उसको करिए, समस्या है तो। हालांकि मैं समय समय देता रहा हूं, आप अगर होमवर्क, इसीलिए मैं कहता था होमवर्क की कॉपी बना के लिखिए तो आपको फायदा होगा। तो एमसीक्यू टाइप की क्या करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसको भेजिए मेरे पास कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज बताएं, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर लेंगे और टाइम का भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। थोड़ा सा एक दो पेपर आप सॉल्व करें कि टाइमली आपका क्वेश्चन, देखिए भाई क्या है ना, आपका क्वेश्चन टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ये सब तमाम बातें आपको फैक्टर्स पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बड़ी भाई रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेजता रहूंगा, कुछ बच्चे जो बाद में एडमिशन लिए या जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ उनको समस्या होती है, तो मैं आपको आज से पीडीएफ भी देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह देते हुए आगे बढ़ेंगे और कोई भी समस्या हो, देखिए एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, कुल मिला के मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे मैंने बताया था कि दो यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा आपका यूनिट है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे इसमें आता है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है बेटे, चार्ज जब हम किसी कंघे या किसी कॉम्ब को बाल में रगड़ के क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो वी सी दैट कि उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो कॉम्ब पर जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट की उसे चार्ज का नाम दिया गया, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ विच इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इज डिफाइंड एज द चार्ज। ये हमने डेफिनेशन बताई थी, आज ये भी फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि अगर क्या करें, कॉम्ब को हेयर में रब करें और किसी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं, तो हमें देखने में आता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है बेटे, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स ये क्या है, आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। यूनिट क्या होती है बेटे, इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ चार्ज की, दो तरीके की चार्जेस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए। टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो तरीके का आपको चार्जेस बताया गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बताया गया। फिर मॉडर्न थियोरी जब आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जब जानकारी हुई, तो पता लगा कि वास्तव में चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर आती है यूनिट की बात, है ना, यूनिट। तो चार्ज की एसआई यूनिट बेटे कूलम होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, दैट मीन्स कूलम में चार्जेस को मेजर करते हैं कि एक कूलम, दो कूलम, तीन कूलम, इस तरीके से आती जाती है। सीजीएस यूनिट बेटा इसका होता है स्टेट कूलम, या इसे हम लोग ईएसयू से भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में चार्ज हमने शुरुआत कर दी है रिवीजन की। अब जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम और भी बातें करेंगे, और केवल इसी तरीके से थोड़ा फास्ट मोड में रिवीजन जरूर होगा बेटे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बातें समझ में आई। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आज आप बताएंगे तो कल मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।